दोस्तों अब आईपीएल के हर मैच थोड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, तो हर मैच अब हर टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि पॉइंट टेबल अब हर दिन बदल रहा है। कोई टीम टॉप फोर में जा रही है, कोई नीचे आ रही है। रन रेट भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आगे चल के रन रेट के हिसाब से कोई ना कोई एक या दो टीम आगे जरूर जाएगी। दोस्तों कल है सुपर संडे, कल आपको दो मैच देखने को मिलेंगे। जो पहला मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर के बीच में वानखेड़े स्टेडियम में, जहां मुंबई इंडियंस अपने इस सीजन का पहला मैच जीत चुकी है पिछला मैच दिल्ली के खिलाफ, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा होगा। वहीं अपनी केकेआर टीम पिछला मैच हार के यहां पे आई है, और केकेआर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि आंद्रे रसल फिट हैं कि नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि पिछले मैच में बॉलिंग करते टाइम उनके वो चोट आई थी और फिर वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे, और काफ़ी टाइम से वो रन भी नहीं निकाल रहे। क्योंकि अगर एज अ बैट्समैन आप अपनी टीम के लिए खेलोगे तो आपको रन लगाना ही पड़ेगा। अगर आंद्रे रसल नहीं चल पाए तो फिर टीम में बहुत बैलेंस खराब हो जाता है। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों ही फॉर्म में वापस आ चुके हैं, और रोहित शर्मा ने पिछला मैच बहुत ही शानदार खेला था दिल्ली की पिच में। ऐसे कंडीशन में उनकी इनिंग बहुत ही लाजवाब थी। तो तिलक वर्मा भी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन सबसे मेन दिक्कत है ना मुंबई इंडियंस के लिए, वो सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में नहीं होना। सूर्य कुमार यादव हर मैच में फॉर्म में नहीं चल रहे, लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, कभी पहली बॉल पे आउट हो रहे हैं, कभी जीरो पे, कभी दो रन पे, तो उनके शॉट ही नहीं कनेक्ट हो रहे। जो सूर्य कुमार यादव T20 में कभी आउट नहीं हुआ करते थे, उनसे अब शॉट कनेक्ट नहीं हो रहे। दोस्तों अगर आप भी कोई फैंटेसी लीग खेलते हैं, अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं, तो आज की वीडियो से हमारी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम आज आपको दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे आज के मैच में कौन सा प्लेयर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा और कौन सा प्लेयर आपको ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करके देगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कोई प्लेइंग 11 बनाओगे उसका कैप्टन या वाइस कैप्टन आप किसे बनाएं और कैसे बनाते हैं, क्योंकि अगर आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन स्कोर करेगा तभी आप कोई लीग में जीत पाओगे। अगर आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन परफॉर्म ही नहीं करेगा तो आप विनिंग जोन से भी बाहर हो जाओगे। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रहेगी। गुरबाज करेंगे जगदीशन के साथ ओपनिंग। गुरबाज तो अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं, लेकिन पिछला मैच उनका अच्छा नहीं गया, लेकिन वो स्टार्ट अच्छा दे देते हैं। लेकिन दूसरे ओपनर के लिए केकेआर के लिए सरदर्दी है कि जगदीशन खिलाएं या फिर किसी और को मौका दें, क्योंकि जगदीशन भी थोड़ा स्टार्ट अच्छा मिला था पिछला, लेकिन वो हमेशा आउट हो जाते हैं लूज शॉट खेल के। फिर उनके बाद तीसरे नंबर पर वेंकटेश अय्यर आएंगे। वेंकटेश अय्यर भी फॉर्म में है, जब वो चल जाते हैं अकेले अपने दम पर बहुत ज़्यादा स्कोर बना देते हैं। फिर आएंगे सुनील नारायण, आ सकते हैं अगर जल्दी विकेट गिर गई। सुनील नारायण पिछले मैच में एक विकेट गिरने के बाद ही आए थे। फिर आएंगे नीतीश राणा। नीतीश राणा तो अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं, उनका पिछला दो मैच अच्छे गए हैं, और पिछला मैच तो और शानदार गया, उन्होंने अपने दम पे बहुत आगे तक ले गए केकेआर की टीम को। फिर आएंगे आंद्रे रसल। आंद्रे रसल का चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंद्रे रसल अगर नहीं चलेंगे तो केकेआर को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दो मैच जीत जाएगी, लेकिन आंद्रे रसल का चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर केकेआर को जीतना है आगे के मैचेस में। तो रिंकू सिंह आएंगे इनके बाद। रिंकू सिंह भी अब इस बार के नए हीरो बन गए हैं, जब से उन्होंने 5 छक्के बनाए हैं। तो रिंकू सिंह भी पिछले मैच में भी उन्होंने 50 मारी थी, तो अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। बस थोड़ा ऊपर और भेजे तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा उनके पास। फिर आएंगे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर भी अच्छे फॉर्म से, लेकिन पिछले मैच में 5 बॉलें ही डाली, उनको बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि केकेआर के स्पिनर ही ऐसे हैं ना कि उनको बॉलिंग का मौका ही नहीं मिल जाता, क्योंकि कैप्टन के पास बहुत ऑप्शन है। फिर उमेश यादव आएंगे। उमेश यादव भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं। फिर आएंगे फर्गुसन। फर्गुसन भी अच्छे स्पीड में डालते हैं, लाइन लेंथ भी अच्छी डालते हैं, लेकिन उनके साथ ड्रॉबैक ये है ना कि उनकी स्पीड कभी कभार ना उन पर रन ज़्यादा लग जाते हैं, और पिछले मैच में हमने देखा कैसे हैरी ब्रुक्स ने उनके एक ओवर में 28 रन कूट डाले। फिर आएंगे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती भी अच्छे बॉलर हैं, वो विकेट निकाल लेते हैं मिडल ऑर्डर में, और मिडल ओवर्स में तो वो हमेशा ही कोई ना कोई विकेट निकाल के देते ही हैं। फिर जो इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे ना, सुयेश शर्मा की जगह इस बार आ सकते हैं कुलवंत खुजरिया, क्योंकि कुलवंत एक पेसर हैं और वानखेड़े का स्टेडियम पेसरों को ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि वहाँ की पिच ना रन तो बहुत लगते हैं लेकिन स्पिनर ट्रैक नहीं है, स्पिनर को कम मदद मिलता है। अगर आप दो स्पिनर के साथ भी खेलोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में, तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 रहेगी बिल्कुल अनचेंज रहेगी, क्योंकि ना ये जीत के आई है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस एक प्लेयर की मैं चाहता हूँ, जो एक प्लेयर जो चेंज हो जाए वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के साथ करेंगे ईशान किशन, जो अभी फॉर्म पकड़ी है दोनों ने। फिर तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को भेज के इन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंट उनका और बढ़ाया, क्योंकि तिलक वर्मा इस आईपीएल सीजन में लगातार फॉर्म से जा रहे हैं और रन निकाल रहे हैं। फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे। सूर्य कुमार यादव का जो है ना उसको चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मुंबई इंडियंस को अगर आगे के मैचेस जीतने हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के बैट से रन निकलते हैं ना तो हर प्लेयर पर प्रेशर हट जाता है मिडल प्लेयर और मिडल ऑर्डर पर। फिर आएंगे टीम डेविड। टीम डेविड की जगह मैं चाहता हूँ ब्रिविस को खिलाएं, क्योंकि टीम डेविड इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते हैं, बॉलिंग तो करवाते ही नहीं ऐसे बैटिंग करवाते हैं, तो ब्रिविस उनसे अच्छे बैटर लगते हैं मुझे और लंबे लंबे छक्के उनसे ज़्यादा अच्छे मारते हैं।
फिर आएंगे कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को थोड़ा ऊपर भेजा था पहले उन्होंने, लेकिन ना वो चल नहीं पाए थे। लेकिन कैमरन ग्रीन का जो इतने नीचे मैं नहीं चाहता आए, वो थोड़ा ऊपर आए, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर आके ना थोड़ा रन अच्छे मारते। हमने ब्रूक्स को भी देखा ओपनिंग में, वो आके उन्होंने कितने रन बनाए। फिर कैमरन ग्रीन के बाद आएंगे निहाल वडेरा। निहाल वडेरा भी एक अच्छे इंडियन टैलेंट है, मुंबई इंडियंस उनको बैक करती है हमेशा और अच्छे अच्छे लंबे हिट मारते हैं। फिर ऋतिक शौकीन आएंगे, जो इनके पास लेग स्पिनर है ना, ऋतिक शौकीन है, वो अच्छे विकेट निकाल लेते हैं, अभी यंग है, थोड़ा प्रेशर नहीं झेल पा रहे। फिर अरशद खान आएंगे, अरशद खान भी लंबे लंबे छक्के और बॉलिंग ऑलराउंडर है वो। फिर आएंगे जैसन बेंड्रॉप, इनका पिछला मैच बहुत शानदार गया था, एक ओवर में इन्होंने 3 विकेटें ली थी और पूरा मैच ही पलट दिया था 19वें ओवर में। फिर आएंगे पीयूष चावला, पीयूष चावला का पिछला मैच भी अच्छा गया, 3 विकेटें ली थी और मिडल ऑर्डर तोड़ दी थी दिल्ली कैपिटल्स की। और जो इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते हैं ये और अच्छा भी प्लेयर है वो राइल मेरेडिथ, क्योंकि उनकी बॉलिंग में ना थोड़ा स्लोअर डालते हैं, वेरिएशन डालते हैं, तो उनको खेल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। दोस्तों ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप ये प्लेइंग 11 दोनों टीमों में से ही आप अपनी टीम बनाओगे तो उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन आप किसे बनाओ, जिससे कि आपको पॉइंट्स ज़्यादा अर्न हो और आप कोई लीग जीत सको। दोस्तों हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, आप रोहित शर्मा को अपना कैप्टन जरूर बनाना, क्योंकि रोहित शर्मा का ये वाला मैच अच्छा जाएगा, मुंबई का होम ग्राउंड है और वो फॉर्म आ चुका है, और जब उनका फॉर्म आता है ना उनके साथ तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर आप वाइस कैप्टन आप बनाओगे तो आप तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन अपना बना सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा अच्छे फॉर्म से जा रहे हैं और हर मैच में रन बना रहे हैं, इसलिए फॉर्म वाले बैट्समैन को जरूर लें, क्योंकि ये बैटिंग पिच है, इसलिए ज़्यादा बैट्समैन को आप ट्राई करना। अगर आप स्पिनर में जाओगे तो क्योंकि थोड़ा विकेट टेकिंग बॉलर हैं तो वरुण चक्रवर्ती आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, तो आप उनको भी वाइस कैप्टन अपना बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से प्लेइंग 11 और पिच के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि मुंबई की पिच तो पेसरों को ज़्यादा मदद देती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सीम होती है, स्विंग होती है, तो इसलिए पेसर को वहाँ ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये बैटिंग पिच है, वानखेड़े में बहुत रन पड़ते हैं, अगर एक बार रन कोई फॉर्म में आ जाए, सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर अगर फॉर्म में आ जाए ना, तो मुंबई इंडियंस को ना बड़े स्कोर तक पहुँचा ही के छोड़ेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव लाजवाब प्लेयर है। दोस्तों अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको भी हेल्प किसी तरह की पहुंची होगी अपनी प्लेइंग 11 के बारे में बनाने में, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।